Honest Panda. Hello guys, मेरा नाम है Honest Panda और आज हम सीखेंगे कैसे पकड़ते हैं गिटार पिक, सिर्फ गिटार पिक. गिटार पिक यानी प्लेक्ट्रम, क्या है ये? प्लेक्ट्रम यूज होता है गिटार प्ले करने के लिए. आप टेक्निकली हाथ से प्ले कर सकते हो, पर हाथ से प्ले करोगे तो इवन टोन नहीं मिलता, एकदम क्रिस्प, एकदम ऐसा आवाज चाहिए, तो पिक यूज करते हैं ताकि उसका आवाज थोड़ा ब्रिटल रहता है आवाज. और ये हाथ से यूज करना जरूरी है. एक्चुअली यूज करना जरूरी नहीं है, पर स्टार्टिंग बिगिनर कोर्स में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप गिटार पिक से प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आप जब एडवांस हो जाओगे तो जरूरत नहीं कि आपको पिक ही यूज करना है, आपको जो चाहिए वो अपने स्टाइल से बजा सकते हो. कौन से क्वालिटी पिक्स यूज करना है, देखा जाए तो एक्चुअली क्वालिटी ऑफ द पिक मैटर नहीं करता, आपके ऊपर है आपको कौन सा टोनैलिटी चाहिए. प्लास्टिक के पिक्स रहेंगे तो उसमें थोड़ा प्लास्टिक ही टोन आएगा, ऐसा. मैं प्लास्टिक पिक यूज कर रहा हूँ. कौन सा पिक, अगर आप गिटार स्टोर में जाओगे तो एकदम पूछ लेना उन लोगों को कि एकदम थिनेस्ट पिक देना स्ट्रमिंग के लिए. थोड़ा फ्लेक्सिबल पिक है ये. पिक्स सही करे के रहते हैं, छोटे से माइन्यूट स्मॉल पिक्स लोगे तो सोलोस प्ले करने में काम आते हैं. अगर ब्रिटल पिक्स है तो स्ट्रमिंग, और अगर आपको कई हद तक एकदम पिक करने के लिए भी आसान हो जाता है. पिक होल्ड कैसे करना है, तो एक्चुअली पिक होल्ड करने के कई तरीके हैं, मैंने कई गलत तरीके देखे हैं. मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ कि म्यूजिक में एक्चुअली कोई गलत सही नहीं होता है. अलग तरीके से पिक पकड़ोगे तो आपके जॉइंट्स है उधर स्ट्रेस आ सकता है, तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था एक बार, तो इसलिए पिक सही तरीके से होल्ड करना. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पिक आइदर मिडिल फिंगर और थंब से पकड़ते हैं, या फिर ये दोनों मिडिल और फर्स्ट फिंगर थंब यूज़ करते हैं, या फिर सभी यूज़ करते हैं जैसे कुछ खाना चाहते हैं. अगर आपको पिक से प्ले करना अच्छा नहीं लग रहा है, स्टाइल भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं कुछ फोर्स नहीं करना चाहता. पिक्स होल्ड करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कौन से तरीके के पिक्स होते हैं. ये पिक एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल है सर, ये देखो, ये मोस्टली स्ट्रमिंग में यूज़ होता है. आप कौन से गिटार स्टोर में जा सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे ऐसा फ्लेक्सिबल पिक चाहिए स्ट्रमिंग के लिए, हम लोग दे देंगे. ये हुआ पहला वाला पिक. सेकंड वाला पिक रहेगा जो मैं यूज़ करता हूँ, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये थोड़ा ब्रिटल है स्ट्रमिंग के लिए, और हम लोग पिकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका बहुत साउंड ब्रिटल आता है क्योंकि एक प्लास्टिक पिक है. मैं कौन से ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मुझे जो पिक्स अच्छे लगते हैं वही मैं यूज़ करता हूँ. तो ये भी स्ट्रमिंग्स मोस्टली स्ट्रमिंग में यूज़ होता है, क्योंकि जो भी फ्लेक्सिबल ऐसे पिक्स रहते हैं वो मोस्टली स्ट्रमिंग में यूज़ होते हैं, हम इजीली स्ट्रम कर सकते हैं. इतना एक्यूरेसी नहीं देता है अगर आपको पिक करना हो तो. फोर्थ वाला रहेगा हमारा मोस्ट फेवरेट, अगर आप सोलो प्ले करते हो, ये एकदम हार्ड रहता है तो आपको पिकिंग एक्यूरेसी मिलती है. अभी हम लोग देखेंगे पिक्स को कैसे होल्ड करते हैं. एक गन शॉट पोज लेंगे, ऐसा वाला लोड करो, और हम लोग पहले तो फर्स्ट फिंगर को अंदर लेंगे ऐसे, ओके, थंब को नीचे रखेंगे ऐसे थोड़ा साइडवेज, और मैं ऐसे पिक इधर प्लेस करूँगा, ओके, ठीक है. सो कैसे थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए हम लोग फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट रखेंगे और हम लोग ये जो थंब है वो ऐसे प्लेस करेंगे. ऑलरेडी आपने देख लिया है कि पिक्स ऐसे फ्रंट साइड और ऐसे बैक साइड होल्ड करना है. ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर है उसको हम रिलैक्स रखेंगे, एक कॉर्ड प्लेस करेंगे, ई मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे डाउन स्ट्रम. सो पिक से प्ले करते समय मैं रिस्ट से नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं एल्बो से प्ले कर रहा हूँ स्ट्रमिंग. सो ये फिंगर्स मैंने ऐसे रिलैक्सिंग क्यों छोड़े हैं, आप आगे एडवांस टेक्निक्स में जाओगे तो आप ऐसे सिंपल सा चीज है. थोड़े से पॉइंटर, स्टार्टिंग में जब पिक यूज करोगे तो आप देखिए कि आपका जो पिक है वो ऐसे रोटेट होने लगेगा. अगर ऐसा होता है तो कुछ टेंशन मत लेना, क्योंकि जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आप खुद से मैनिपुलेट कर सकोगे पिक को प्ले करते समय. फिंगर्स और अपने रिस्ट को एकदम रिलैक्स रखना, जब इधर टेंशन क्रिएट करोगे तो आप इतने स्मूथली पिक नहीं कर सकोगे. ये एक्सरसाइज अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ में ना आए तो वापस रिप्ले कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिगिनर्स कोर्स के लिए. और जाते जाते याद रखना, कैमरा लेंस सर्कुलर है पर उसका पिक्चर रेक्टेंगुलर है.